नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इसके के, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मैंने रिसेंटली मसाई के ऊपर एक वीडियो डाली थी, तो वहां पे आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा सवाल हमसे पूछा। बहुत लोग तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए कि सर बताओ क्या है मसाई, मतलब मसाई के सबके अलग अलग डाउट्स। तो मैं आज चाहूंगा इस वीडियो में आपके सारे डॉट्स, कोशिश करूंगा कि सारे डॉट्स क्लियर हो जाए और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आप फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। तो सबसे पहला सवाल है इनका, रोहित कश्यप जी का, मसाई स्कूल का टेस्ट पे एक वीडियो बनाओ यार दो प्लीज। तो भैया जी, ऐसा है कि मसाई का टेस्ट कोई इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल से टेस्ट है। आपको मैथ थोड़ी सी आनी चाहिए, हाँ, लेकिन बेसिक्स आनी चाहिए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, थोड़ी बहुत कंप्यूटर के फंडामेंटल आते हैं, तो हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक मसाई का टेस्ट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए कि क्या सवाल आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक पत्रा जी का, मसाई स्कूल क्लासेस का अपडेट दो भाई। तो भैया जी, यही अपडेट है कि मसाई स्कूल मस्त चल रहा है और बैचेस आ रहे हैं और नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, वहां पे तो इनके रिसेंटली अपडेट्स आते रहते हैं और ये बहुत सारा क्या बोलते हैं वर्कशॉप कराते रहते हैं, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सेकंड है ट्रेंडिंग शॉर्ट का, 12 आवर क्लासेस के बाद होमवर्क भी मिलता है क्या, उसी 12 आवर में सब हो जाता है? तो सीधी सी बात ये है भैया जी, यहाँ पे आपको कोई होमवर्क नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलती है। और असाइनमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिफिकल्ट होती है, बस इजी होती है, आपसे हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड चीजें होती है। और हमको लगता है कि आप जो 12 घंटा है ना, 12 घंटा पूरी 12 घंटा नहीं लगती, आपको बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नो टू नो कोडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह बैठे तो शाम को ही सीधा उठना, बीच में आपको गैप्स भी मिलते हैं, इसलिए डोंट माइंड, हो जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, इजी है, मतलब इतना भी इजी नहीं, बट है इजी अगर आप मेहनत करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का ही क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में पढ़ाई होती है या और जो ज्वाइन करेगा उसे भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए क्या भाई, बता दो ब्रो। तो सीधी सी बात यह है कि भैया जी, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते तो कम से कम समझना तो आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग स्टेट से लोग होते हैं, कुछ लोग आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं साउथ से हो गए, तो उन लोगों को तो इंग्लिश, उन लोगों को तो हिंदी आती नहीं, तो हिंदी में तो पढ़ाएंगे भी नहीं सर, सीधा से कम्युनिकेशन का वे इंग्लिश। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको इंग्लिश जानना होगा, ऐसा नहीं है मतलब कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बट आपको इंग्लिश कम से कम समझने तक तो आनी चाहिए। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं स्किल ट्यूशन का क्लास होता है जहाँ पे आपको इस मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर वर्क की जाती है। और रिसेंटली अभी हमने क्या बोलते हैं आज सेम डे मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया है, मतलब एक सिंपल सी इंटरव्यू हुई हमारी जहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे गए इंग्लिश में ही और हमने भी जवाब इंग्लिश में दिया है। तो उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना मेहनत करना है, मतलब सारी चीजें आपकी मसाई कर देगी। आप आओ एक बार मसाई में, मजा आएगा भाई, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहम्मद असीम, इनका क्वेश्चन किधर गया, एक मिनट हाँ, क्लास टाइमिंग क्या है मसाई स्कूल की? तो भैया जी, सुबह सुबह 9 बजे से ये लोग, मतलब 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे ही सुबह के 9 बज गए मतलब आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। और 9 बजे से लेकर 9:15 तक एक क्लास चलता है, एकदम छोटा वाला क्लास। उसमें पता है आपको पूरा दिन का शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आज क्या क्या चीजें होने वाली है, कब कब आपका ब्रेक है और आप क्या क्या सीखोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बेनिफिट क्या मिलता है, एक IAS कैंडर मिलता है, मतलब इन लोगों ने जितना भी दिन भर में पढ़ाया उसमें से एक लास्ट सेशन होता है जहाँ पे आप अपने डॉट्स पूछ सकते हो कि नहीं सर मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा था, आई हैव अ डॉट, मतलब जितने भी आपके डॉट्स है वो सारी चीजें क्लियर की जाती है हर दिन, ठीक है, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। एंड भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्या प्रकाश जीना का, इन्होंने पूछा है एक बार क्लास रिकॉर्ड करके दिखा दो बस थोड़ा सा भाई। तो सीधी सी बात यही है ना भाई, ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके लिए मसाई से पूछना पड़ेगा क्या मैं आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड करके किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ या नहीं, तो दैट इज मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इतना बता दूं कि यार यहाँ बाकी सारे ऑनलाइन क्लासों से इस ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी चीजें डिफरेंस होती है, मतलब डिफरेंट होता है, सिंपल सी आप कह दो डिफरेंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको चेंज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य प्रकाश जेनाग जी का ही है, ब्रो क्लास टाइमिंग डिटेल बताओ और कितना टाइम ब्रेक मिलता है, इट इज पॉसिबल टू सिट कॉन्स्टेंटली फॉर सो लॉन्ग टाइम? सो देखो भैया जी, ऐसा है कि आपको बीच बीच में गैप मिलते हैं, कभी आधे घंटे का मिल जाएगा, कभी 1 घंटा का, कभी 2 घंटा का भी गैप मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे बैठे तो सीधा रात को आप 9 बजे उठोगे, नहीं, आपको लंच मिल जाता है 1.5 घंटे का, फिर बीच में आपको आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक मिलते ही रहेगा, कंटिन्यूसली क्लास नहीं चलती, बीच बीच में आपको गैप्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि 9 से 9 चलेगा क्लास ये। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास पावर का, योर वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू ब्रो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद परवेज, क्या क्लास के बीच में 5-10 मिनट
आपका 5-10 मिनट या कितना भी वेट मिलता है भाई? भाई मिल जाता है 5-10 मिनट। आप मतलब जो क्लास अगर 1 घंटे की हो तो आपको 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। मतलब देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे अगर आप नॉर्मली ऑनलाइन क्लास करते हो कैसा होता है, एकदम कंटिन्यूअसली तो नहीं चलती, बीच बीच में आपको गैप्स मिलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका 10 बजे सेशन खत्म हुआ तो नेक्स्ट सेशन आपका 11 बजे स्टार्ट होगा, वहां पे आपको गैप मिल सकती है, या तो वो 11:15 में होगा या फिर वो 11:30 में होगा, ठीक है? तो इतना गैप्स मिलता ही मिलता है। एंड देन करण सिंह का एक सवाल है, ब्रो और कुछ बताओ मसाई के बारे में। भाई मसाई के बारे में जितना बताओ कम है, बहुत अच्छी जगह है, आप आओ यार मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर का नोमो, इनके प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बता दो भैया जी। तो भैया जी यहाँ पे हमें ज्वाइन करने के बाद हमें इतना चीज क्लियर हो गया कि हमें प्लेसमेंट के लिए इन लोगों से कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला। मतलब जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको खुद लगेगा कि भाई हम प्लेस हो जाएंगे अगर ये लोग नहीं भी करवा देंगे, इस लेवल का यहाँ पे आपका माइंडसेट बना दिया जाता है। मतलब आप पे इतना ये लोग मेहनत करते हैं ना कि आप यार मतलब आप खुद ही कंपनी क्रैक कर लोगे। मतलब इन्हें अगर ये लोग आपके सपोर्ट भी ना करें तो भी आप क्रैक कर लोगे जिस हिसाब से ये लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए प्लेसमेंट के बारे में तो मैं पूछता भी नहीं। अब जो शुरू शुरू जब हम मैं ज्वाइन किया था तो मैंने बहुत पूछा कि सर प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आते हैं, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग द मसाई आई रियलाइज प्लेसमेंट हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिशु कृष्ण का, पब्लिक सब्सक्राइबर इज अ सिविल स्कोर इज कंपलसरी? हाँ ये क्वेश्चन जब हम लोग का फर्स्ट क्लास था तो उसमें से किसी ने पूछा था कि सर सिविल स्कोर कंपलसरी है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो वो आपके लिए अलग रूल्स होते हैं, ठीक है? अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस है, वो आपको जब आप सेशन ज्वाइन करोगे तो वो बता देंगे। खैर इसके बारे में जो इतना ही पता है, इसे ज़्यादा नहीं, इसके बाद आपको मसाई में ही पूछना पड़ेगा। एंड देन क्रिकेट फैन M2, भाई मसाई ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बताओ। देखो भैया जी मसाई के दो क्लासेस चलते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन का मतलब क्या, ऑनलाइन का मतलब सब आपको पता है कि भैया जी आप कहीं पे भी हो पढ़ सकते हो, बस एक मतलब शांति पहले सोना चाहिए घर में और वहीं पर पढ़ सकते हो। लेकिन जो इसका ऑफलाइन क्लास होता है उसमें क्या होता है ना कि ये लोग आपको एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है? एक स्पेस आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको इंटरनेट मिल जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, ये सारी चीजें मिल जाएगी जहां पे आप जाके क्लास कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वहां पे जाके टीचर पढ़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है भैया, वहां पे भी आपकी ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, बस आप वहां पर आपको स्क्रीन कंप्यूटर वगैरह मिल जाएगी, जो इंटरनेट कनेक्शन हो गया बिजली हो गया ये सारी चीजें मिल जाएगी, आपको भी बैठ के वहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस करना है। तो इनकी जो ऑफलाइन क्लासेस है उनका रूल कुछ ऐसा है, ठीक है? एंड देन बस। तो भैया जी जितने कमेंट्स हमने पिक किए थे उनमें से इतने सारे कमेंट्स थे, मैंने सारे के आंसर दे दिए, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अपने तरीके से, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मसाई ज्वाइन कर रहा था तो मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे। यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था कि मैं ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। आज मुझे ज्वाइन किए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और आई एम रियलाइज कि मैं सही किया, मैं ज्वाइन करके मसाई। यार मसाई अच्छी जगह है, यहाँ पे आप कोडिंग सीख जाओगे, यहाँ पे जानते हैं सबसे ज्यादा फोकस होता है आपकी कम्युनिकेशन पे, कि आप कैसे बोलते हो, कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, सारी चीजें। आई थिंक मुझे नहीं पता अभी मेरी इंग्लिश ना मतलब नेक्स्ट लेवल वाली नहीं, बस इतना आ जाता है कि कोई अगर इंग्लिश बोले तो समझ जाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ ही जाता हूँ, तो इस लेवल की इंग्लिश है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि I create one video on YouTube to only talk on English, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब मैं 6 मंथ से, अगर मेरे 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और अपने आप मतलब उस वीडियो में पूरा मैं इंग्लिश बोलूंगा, ओनली टॉक ऑन इंग्लिश, नो यूज एनी हिंदी वर्ड, ओके? तो फिलहाल बस इस वीडियो में हमारे हिसाब से इतना ही। अगर हाँ एक चीज आप जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो अगर शेयर कर देना तो सबसे अच्छी बात रहेगी। और अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा तो आपके जो डाउट्स है उसको मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहां पे भी जा सकते हो, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। और फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके जाना भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।